नवरात्रि में छोटी कन्या को दे देना, ये एक चीज गरीबी मिटते देरी नहीं लगेगा। नवरात्रि में चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन अपने घर में कन्या भोजन अवश्य करवाना, पूरे नवरात्रि के व्रत का फल मिलेगा। दोस्तों, माँ दुर्गा उपवास व्रत से जितना प्रसन्न नहीं होती, उससे कई गुना कन्या भोजन कराने से होती है। दोस्तों, कन्याओं को माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहा जाता है। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखे हैं और कन्या भोजन ना कराए तो नवरात्रि का आधा फल मिलता है। दोस्तों, स्कंद पुराण और देवी पुराण के अनुसार जिस घर में कन्या भोजन कराया जाता है वह घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। कन्या भोजन के दौरान भोजन करते समय मुंह से जुठन गिरे तो समझ जाना घर में किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों का अभाव नहीं होगा। कन्या भोजन कराने से कई जन्म के पाप मिट जाते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कन्या भोजन संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। कन्याओं को कन्या भोजन में क्या खिलाएं, कन्याओं को क्या गिफ्ट दें, कन्या भोजन में क्या सावधानी रखें, नवरात्रि में किस उम्र की कन्या पूजन का क्या मिलता है फल। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। खास तौर पर अष्टमी तथा नवमी तिथि को 3 से 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करने की परंपरा है। ये कन्याएं साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। जानिए नवरात्रि में कन्या पूजन से क्या लाभ प्राप्त होता है। 2 वर्ष की कन्या को कौमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी नाम से संबोधित की जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी की पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी की पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा की अर्चना से शत्रु पर विजय मिलती है तथा असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। कन्या पूजन पर गिफ्ट करें ये 5 चीजें, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न। नवरात्रि व्रत के 8वें दिन को महाअष्टमी और 9वें दिन को महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों ही दिन माता रानी के भक्त कन्या पूजन करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर प्रसाद खिलाने के साथ गिफ्ट भी दिए जाते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन में लगाएं इन पकवानों का भोग, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष पकवान हैं जो मां दुर्गा को बहुत पसंद हैं और इनके बिना कन्या भोजन पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कन्या भोजन में विशेष रूप से क्या क्या शामिल करना चाहिए। खीर, घर पर कोई भी पूजा हो या फिर त्योहार, खीर का बनना तय होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि कन्या पूजन में भी खीर का भोग काफी विशेष माना जाता है और इसे कन्या पूजन में भी जरूर शामिल करना चाहिए। हलवा पूड़ी, कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा जरूर परोसें, इसके साथ ही पूड़ी भी परोसें। काला चना, माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग जरूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भी काला चना जरूर परोसें। हालांकि कन्या पूजन के दिन सूजी का हलवा, मिठाई, फल भी प्रसाद के तौर पर खिलाए जाते हैं, लेकिन पूरी, खीर, काले चने, सूजी का हलवा का ज्यादा महत्व माना जाता है। दोस्तों, अगर शादी में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करें। पैसों की कमी से परेशान है तो 4 साल की कन्या को खीर खिलाएं। इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दे। 9 साल की 3 कन्याओं को पूजन सामग्री और कपड़े देने से शत्रु बाधा और काम में आ रही रुकावट दूर होती है। 3 और 10 साल की कन्याओं को मिठाई देने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। बेरोजगारी से परेशान है तो 6 साल की कन्या को छाता और कप डीढ़े का भेंट करें। 5 से 10 साल की कन्याओं को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करने से सभी तरह की समस्याओं का निवारण होता है। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा पुराणों में है कन्या भोज का महत्व। पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन कौमारी पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना भक्त के नवरात्र व्रत अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को उपयुक्त माना जाता है। कन्या भोज के लिए 10 वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त होती हैं। कन्या भोजन से सभी जन्म के पाप धुल जाते हैं और अंत में मां के धाम की प्राप्ति होता है। कन्या पूजन में भूलकर भी ना करें, यह गलती, इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं तो माता नाराज हो जाती है।
कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होता है वहां की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के दूध से पैर पूजने चाहिए। चरण पूजा में अक्षत, पुष्प और कुमकुम प्रयोग करें। घर पर जब भी कन्याओं का पूजन के लिए बुलाएं, उन्हें अपमानित न करें। किसी भी कन्या को डांटे नहीं, पूरी श्रद्धा भाव से उनका पूजन करें। भूलकर भी कन्याओं को बासा भोजन न कराएं, ये बेहद अशुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के तुरंत बाद सफाई न करें। अगर आप कन्या भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो भोजन भेजकर भी दान किया जा सकता है। इस दिन के भोजन में लहसुन और प्याज का भोजन नहीं बनाना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले उसे झूठा न करें। कन्याओं को प्रसाद देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। कन्या पूजन करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर प्रसाद खिलाने के साथ गिफ्ट भी दिए जाते हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक कन्या पूजन के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा है तो ये गिफ्ट आइडियाज आपकी मदद कर सकते हैं। स्टडी किट। नवरात्रि पर दी जाने वाली स्टडी किट पढ़ाई में छोटे बच्चों की मदद कर सकती है। आपका ये गिफ्ट बच्चे जो है लंबे समय तक यूज कर सकती है, जिससे आपको लंबे समय तक पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टडी किट आपके बजट के बाहर है तो आप इसकी जगह पेंसिल और कलर जैसी चीजें भी गिफ्ट कर सकते हैं। लंच बॉक्स। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए रंग बिरंगे लंच बॉक्स काफी पसंद होते हैं। आप कन्या पूजन के दौरान उन्हें प्यारा सा लंच बॉक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। हेयर एक्सेसरीज। कन्या पूजन पर ज्यादातर छोटी छोटी बच्चियां घर पर आती हैं, जिनके बालों पर हेयर एक्सेसरीज बेहद खूबसूरत लगेगी। ऐसे में आप उन्हें कोई क्लिप का हेयर बैंड गिफ्ट कर सकते हैं। पानी की बोतल। छोटे बच्चे अपने स्कूल में रोजाना पानी पीने के लिए बोतल भी लेकर जाते हैं, ऐसे में आप उन्हें यह भी गिफ्ट कर सकते हैं। लाल कपड़ा। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रों में कन्या भोज करवाने के बाद कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र देना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपका बजट हर कन्या को लाल वस्त्र देने का नहीं है तो आप सभी कन्याओं को गिफ्ट में लाल रंग की चुनरी दे दें। धार्मिक चीजें। आजकल लोग कन्या को धार्मिक चीजें भी उपहार में दे रहे हैं। बाजार में भगवान की छोटी छोटी किताबें, जिन्हें आम भाषा में गुटखा कहा जाता है, को अब भेंट में दिया जाने लगा है। स्वास्तिक और ओम की वॉल हैंगिंग के भी कई छोटे छोटे डिजाइन इन दिनों बाजार में छाए हैं। ये 5 से 25 रुपए तक मिल जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बेशक चूड़ी चुनरी से खुश हो जाएं, मगर जो कन्याएं फैशन को जानने लगी हैं वे तो कुछ मॉडर्न उपहार ही चाहती हैं। उनके लिए आजकल चलने वाली एसेसरीज खरीदना ही बेहतर है। इनमें विभिन्न आकार के रंग बिरंगे हेयर क्लिप, ब्रेसलेट और हेयर बैंड ले सकते हैं। इन दिनों रंग बिरंगे मोतियों और बीड्स वाली पायल भी काफी पसंदीदा उपहार है कन्याओं का। स्टील की प्लेट्स और कटोरियां काफी समय तक उपहार में देने के लिए लोगों की पहली पसंद रहे, पर अब प्लास्टिक, बोन चाइना और चीनी मिट्टी की डिजाइनर क्रॉकरी के विकल्प ने पसंद और चलन दोनों को बदल दिया है। सुंदर डिजाइनों वाले ये टिफिन बॉक्स और प्लेट्स सभी को भांति हैं और काम भी आती हैं। अगर उपयुक्त सभी विकल्प आप इस्तेमाल कर चुके हैं और कुछ नया चाहते हैं तो चॉकलेट और टॉफी के पैक्ड बास्केट, जेली के पैक, सॉफ्ट टॉयज या हैंडबैग्स, ये सभी आइटम बाजार में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। मगर नवरात्रि के अवसर पर लोगों की पसंद को देखते हुए इनकी वैरायटी में बढ़ोतरी हो जाती है। कन्याओं को भी यह सामान काफी पसंद आता है। दोस्तों, इस जानकारी संबंधित कोई मन में प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना, आपको भी पुण्य मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।